मैं बेवफा कह दूं सुनो लोगों। हाँ जी किदा जी फिल्मी शेर उन्हें किसी बात पे मैं बेवफा कह दूं सुनो लोगों, वो वादा कर तो लेते हैं मगर वो भूल जाते हैं। मेरे वालिद ने मुझे शायरी भी सिखाई है, मैंने तालीम लिया। और अभी आपने कहा कि आपका खानदानी जरूरी है कि खानदान से गाना आता है तो उसकी विरासत हो, नहीं मेहनत भी बहुत जरूरी है। अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ नहीं हो सकता, बिल्कुल आपने कहा। और आपने जैसे कहा कि मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है, बाखुदा ये हकीकत मेरे साथ भी है। और आपको पता नहीं कि आप हिंदू फैमिली से, आपने बोला आप कवाली गाते हैं, इस बात का यह सबूत है कि मुसलमान फैमिली से हूं मैं भजन गाता हूं। आए हाय, इस बात का यह सबूत है, ये दोस्तान है, ये सबूत है इस बात का। वो कवाल और होते हैं जो अपनी मैं में जीते हैं, मैं तो उसकी मोहब्बत में जीता हूं। मुझे जितना भी नाम मिला है, इज्जत मिली है, मैं शुक्र अदा करता हूं। तो अभी जो मैं कलाम सुनाना हूं, वो कलाम मेरी जिंदगी का, मेरे गरीब नवाज का वो सदका है जिसे मैं मरने के बाद भी अदा नहीं कर सकता, मेरी आने वाली नस्लें भी अदा नहीं कर सकती। और वो कलाम है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। आप बहुत अच्छा गाती हैं, एक बात मैं कहूं, स्टेज पे आपको बहुत अच्छा गला है आपका, सिर्फ सवारने की जरूरत है। अल्लाह करे तुम्हें कोई ऐसा कलंदर मिल जाए कि तुम्हें तराज दे। जोरदार ताली बजाओ गीता बहन के लिए। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है ये बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। भाई अभी इन्होंने एक शेर कहा था आपको शराब के ऊपर, सुनना चाहोगे? फूके हुए नौजवानों, जिन्होंने मोहब्बत की है वो हाथ ऊपर ना करें, जिन्होंने इश्क किया है वो हाथ ऊपर करें। मोहब्बत तो मुकर जाती है, इश्क कभी झूठा नहीं होता। हाय हाय हाजी साहब, इश्क हकीकी और इसके मिजाजी में यही फर्क है। हाँ। शेर सुन ले। हाँ बेटा गीता जी आप भी सुन लें। बाबू थोड़ा सा रो जाओ, कीबोर्ड वाले भैया डीजे वाले बाबू जरा साइड दिखा दे, ये डीजे वाले बाबू। हाँ ये पर इधर से मैं चलूं बाहर, उधर से तू आए। गीता जी ये मुकाबला नहीं हो रहा, ये लफ्जों की तर्जुमानी हो रही है कि इधर से मैं चलूं बाहर, उधर से तू आए, मजा तो तब है कि इंसानियत की खू आए। इधर से मैं चलूं बाहर, उधर से तू आए, मजा तो तब है कि इंसानियत की खू आए, और शराब मैं पीऊं और तेरे मुंह से बू आए। अरे अरे जी साहब इधर लोग बैठे हैं, भजन आपकी खास रो फरमाइश है। ख्वाजा तेरे करम से है।
जमाने में बाकी है Yeah.
अच्छी बात कही थी इन्होंने, ख्वाजा साहब का मकाम क्या है, हम क्या बताएंगे, हमारी औकात क्या है। ख्वाजा का मकाम अगर कोई जानता है तो मेरे मौला अली जानते हैं, मेरे नबी जानते हैं। हम तो सिर्फ उनका शुक्र जिक्र करने की ही हमारे लिए बहुत है। आए हाय तेरा कलम ये मेरे साथ बोलेंगे, तेरा कलम ये कौन कौन यहाँ पर हाजिरी लगाने आया है, हाजिरी का मतलब है मोहब्बत का पैगाम। हाँ जी, तेरा कर्म ये अब्दुल चाऊ साहब उसके बाद छोटे यूसुफ अंदाज साहब, मेरा बचपन गुजरा इन लोगों ने, और जानी भाई अजीज दादा साहब। आप यकीन करना मेरे वालिद कितनी इज्जत करते थे, वो कहते थे हिंदुस्तान में हम किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं, उस्ताद मोहम्मद हयात से मुकाबला नहीं कर सकते, ये वो बोलते थे।
वो जमाने अदब के थे। एक आपको शेर के चंद अशआर सुना रहा हूं, सुनिए भाईजान। अब्दुल रब चाओ साहब ने एक शेर कहा, पूरी रात के बाद, आधी रात के बाद, उनका एक मफहूम था, काफिया था आधी रात के बाद। तो मेरे वालिद ने मतलब कहा कि एक दोशीजा बन जाती है दुल्हन पूरी रात के बाद। जनाब शोरा साहब भी बैठे हैं कि एक दोशीजा बन जाती है दुल्हन पूरी रात के बाद, थमते थमते थम जाती है धड़कन पूरी रात के बाद। मैंने कहा इससे मत खेलो, हर एक को डस लेती है। मैंने कहा इससे मत खेलो, हर एक को डस लेती है। जुल्फे सियाह जब बन जाती है नागन पूरी रात के बाद। ये उस जमाने की शायरी है। इश्क, इश्क जताया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। क्योंकि जहां इश्क में जताना आ जाए वहां गरज आ जाती है, और जहां महसूस हो जाए वहां इबादत आ जाती है। और जो गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं क्या कहेंगे, अरे तेरा कर्म ये तेरा यहां से सुन लिया ना, यहां से नहीं, यहां से सुन लिया, उस दिन सुरीले हो जाएंगे। मैं चाहूंगा नुसरत साहब के लिए जोरदार तालिए। कोई घर नहीं छोड़ा आया, और मैं उनको मानता नहीं, मैं उनको चाहता हूं। क्योंकि तेरी रहमतों का दरिया सारे आम चले रहा, था कि गरीब नवाज हर किसी का कबूल करते हैं तो मेरा भी कर लेंगे। आए आए, गाना बजाना गुरूर का नहीं, गाना बजाना सुरूर का है मेरे भाई। हाँ भाई जान, गाना बजाना गुरूर का नहीं है, सुरूर का है। मेरे वाले सब कहते हैं कि फनकार अपने फन पर जो मगरूर हो गया, फनकार अपने फन पे जो मकरूर हो गया, अल्लाह के करम से बहुत दूर हो गया। फनकार अपने फन पे जो मकरूर हो गया, अल्लाह के करम से बहुत दूर हो गया। उस्ताद जितने थे वो तो पर्दे में छुप गए, जो कुछ नहीं था दुनिया में मशहूर हो गया। आए। आए।
महापौर पूर्व महापौर पवन भैया एक बात कहना चाहूंगा। हुजूर अल्लाह मालिक ईश्वर भगवान अनिल सुहागा जी, अनिल भाई, इशरार भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, मुझे शेर बड़ा पसंद है कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला, लेकिन अरे उसे क्या लिखा है दुनिया, उसे आपने होता, ये सरजमीन ईमान की है, इस जगह का नाम है कोटा। आए आए हाथ ऊपर करेंगे जो कोटा से आए हैं, दोनों हाथ ऊपर, जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसे अपने अपने अल्लाह भगवान की कसम है, दोनों हाथ ऊपर, क्या बात है। पवन भाई इधर आओ, अभी अभी नहीं, हम सर हयात के बीच में फंसे। हाँ पवन भाई, मैं चाहूंगा पवन भाई मेरे साथ इस प्यार का पैगाम पूरी दुनिया को दें। उसे क्या मिटाए दुनिया, ए बेटा ए बाप कहा करत बा, जानत नहीं हमार बतिया। आज पवन भाई, उसे क्या मिटाए दुनिया, मेरे साथ उसे क्या मिटाए दुनिया, ये भी गाएंगे, उसे क्या मिटाए दुनिया, उसे क्या मिटाए दुनिया, ताली तो बजा दो जालिमो, उसे क्या मिटाए जिन्होंने मुझे यहां बिठाया है, आप लोग, और एक बात याद रखना मेरे भाई,
तरक्की की सबसे पहली सीढ़ी जलन है भाईजान, तरक्की की सबसे पहली सीढ़ी जलन है। जब तक कोई तुझसे चलेगा नहीं तू आगे बढ़ेगा नहीं। उसे क्या हमारे पुलिस महकमे के लोग वहां बैठे हैं भाई साहब, मैंने आपके आपके ग्रुप का नाम रखा है दिलवाला परिवार। दिलवाला परिवार, अभी कुछ शेर चल रहे थे कि जवानी दे दे, पानी दे दे, निशानी दे दे, दरमियानी दे दे, तो मैं आपके लिए कह रहा हूं सुनिए कि दिल्ली की पुलिस मना करती है पीने को, दिल्ली की पुलिस, और ये वो वाली शराब नहीं है, ये रूहानियत वाली शराब है कि दिल्ली की पुलिस मना करती है पीने को और पेज पे लिखती है डीपी डेली पी, पेज पे लिखती है डीपी डेली पी, और राजस्थान की पुलिस मना करती है पीने को और पेज पे लिखती है क्या लिखती है आर बी आर बी। अरे एक दिन नहीं रोज पी, और जो इसके हकीकत जान पीना चाहते हैं हाथ ऊपर गरीब नवाज के नाम का, जो गरीब नवाज से प्यार करते हैं दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 सभी से तो जाऊंगा
कि उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवाजा। कि बहुत पानी बरसता है लेकिन दामन हमारा ना नहीं होता। बहुत पानी बरसता है लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरे ख्वाजा की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। अरे उसे क्या किसे हम किसे हम किसे बेटे किसे बेटे। अरे ये बोला कुछ मेरा ये बोला कुछ मेरा। अरे राजा को इतनी इनका तो बाद राज है। घड़ी भर को मुझे तनहा कभी होने नहीं देते। घड़ी भर को मुझे तनहा कभी होने नहीं देते। ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते। मेरे सर पे मेरे ख्वाजा की जोर है मन के साथ Oh, 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 oh,
शेर भाईजान जो मुझे बड़ा पसंद है, नजर करूं इजाजत है, मेरे सभी लोग बैठे हैं, इजाजत है भाईजान, इजाजत चाहूंगा सभी की, नौजवान जितने बैठे हैं, हाय हाय। ये शेर कैसेट में नहीं है, ये मैंने रिकॉर्ड के बाद किया है। गीता जी कोशिश की है, हाय हाय। अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे भरोसा, ख्वाजा पे अकीदत है। अभी इधर आ बेटा, इधर अभी गीता जी ने बच्चों के लिए कुछ कहा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कहूंगा कि जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी, जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी, लड़कपन भी अच्छा, जवानी भी अच्छी, जो तू तीर मारे तो दिल में छुपा लूं, निशाना भी अच्छा, निशानी भी अच्छी। अल्लाह के हाजी जी जरा तो चाहूंगा, अल्लाह पे भरोसा, ख्वाजा पे है अकीदत, वो कातिबे कलम से, वो कातिबे कलम से इस्मती बदल रहा है, वो कातिबे कलम से इस्मती बदल रहा है। बहुत सारे कवालों ने आया है, सबने दावे कर दिए हमारा है, लेकिन अल्लाह जानता है किसका है। इसमें मकता है मेरे वालिद का, आज के लोग तो मरे हुए को भी नहीं छोड़ते, वो मर गए हैं, उन्होंने मरने से पहले एक कलाम मुझे कहा कि बेटा तू गा दे, शायद गरीब नवाज तुझ पे करम फरमा दे। मेरे बाप की दुआ है, मैं चाहूंगा जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं दोनों हाथों पर करेंगे, जोरदार तालियां बजाएं अपने माँ बाप के लिए। हाँ, सब बेकार की बातें हैं, जन्नत सभी को चाहिए। अरे बदनसीबो, जब तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो जन्नत की वैल्यू क्या समझोगे। बड़ी बड़ी बातें हैं, वो तेरी नमाज का मोहताज नहीं है, कभी जहन में ला रहा होगा, ना वो तेरी पूजा का मोहताज है, उसकी इबादत के लिए फरिश्ते कम नहीं है। उसने अल्लाह ने माँ बाप को इसलिए बनाया कि अगर माँ बाप की इताअत करेगा तो वो तेरी बख्शिश करेगा। और जो इस बात को मानता है तो हाथ उठाओ, 1 2 3 कोई एहसान नहीं कर रहा, ये खुलूस है, क्योंकि मुझे इत्तला मिली है कि इनकी कोई जरूरी महफिल है, जरूरी मसला इनको जाना है, पर आप बेफिक्र रहें, ये मत समझना कि मैं फनकार हूं, मैं जैसा हूं ना वैसे पीछे भी हूं, मैं स्टेज पे कुछ बाहर कुछ, वो है ही नहीं मेरा किरदार। ये इनको जाना है तो मैं इसे मुख्तसर करूंगा, उसके बाद
जो लोग मुझे बर्दाश्त करेंगे हाथ ऊपर करें, थैंक यू, सेम टू यू, और जो लोग मुझे सुनेंगे जरा वो हाथ ऊपर करें, बहुत बहुत शुक्रिया, ये चली जाएगी, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ उस कलाम को। हाँ जी कुरैशी साहब, अरे तारीखियों में गुम था ये हयात सूफी हम सभी, तेरी निस्बतों के सदक दे रहा हूं।